अच्छा जी, डिस्काउंट करने के लिए अगर आपके पास डिफरेंट आइटम्स के ऊपर डिफरेंट डिस्काउंट रेट लगा हुआ है तो आप किस तरह से निकालेंगे, वो सारी की सारी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ इन डिटेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जी 1 जनवरी यहाँ पर डेट डाल देता हूँ, ठीक है। सैल्स को बड़ा कर लें, इसके साथ से कर लें, तो ये डेट आ गई आपके पास, ठीक है। अब हमारे पास कहीं पर है जी 25% है, कहीं पर 15% है, कहीं पर 12% है, और कहीं पर 50% है डिस्काउंटेड प्राइस। आप देखिए इसकी प्राइस कितनी है, 100। आफ्टर 25% डिस्काउंट इसकी प्राइस कितनी होगी, हमने ये निकालनी है। तो उसके बाद इसका टोटल निकालना, पहले इसका टोटल भी देख लें। हमारे पास इसका टोटल आ रहा है जी 250, ठीक है जी। तो हमें डिफरेंट डिस्काउंट मिले हैं, 25%, 15%, 12%, 50%। तो इसका फार्मूला क्या होगा, फार्मूला गौर से देखें। ये जो स्टैंडर्ड फार्मूला है मैं आपको वो बताऊंगा, जिससे अगर आप अकाउंटेंट हैं या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या फिर आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं तो ये फार्मूला आप यूज़ करें। सबसे पहले इक्वल का साइन आ जाएगा, उसके बाद आपने जो ओरिजिनल सेल प्राइस है उसे सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और उसके बाद आपने स्मॉल ब्रैकेट को ओपन कर लेना है, फिर आपने 1 मेंशन करना है, फिर आपने माइनस, और उसके बाद जो डिस्काउंट परसेंट होगा उसको सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ये आप फार्मूला देख लें, इसे मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपको जूम इन करके भी दिखा दूँ फार्मूला। ये देखें, ये देखें, ये है फार्मूला। फार्मूले को आप अच्छी तरह से नोट कर लें, वीडियो को पॉज करें और फार्मूले को नोट कर लें। आप देखें मैजिक ट्रिक देखें, अब मैं इसी फार्मूले को नीचे ड्रैग डाउन करने लगा हूँ, तो ये देखें सारा का सारा। अच्छा, आपने एक दफा जो एक्सेल शीट में आपने अपना फॉर्मेट बना दिया उसे आप बना के रख लें, बाद में अगर आप चेंज करेंगे कोई भी परसेंटेज तो ऑटोमेटिक ये काम होता चला जाएगा। ये देखिए 25% पर 60, यानी ओरिजिनल सेल प्राइस जो थी वो 80 थी, डिस्काउंटेड कितनी है 60 है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो टोटल आएगा वो देखें डिफरेंट होगा, तो आफ्टर द डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑफ डिस्काउंट, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट हमारे पास ये हमने वी हैव टू पे, तो कितना डिफरेंस था बस आप देख सकते हैं। डिस्काउंट हमने कितना गेन किया है, टोटल डिस्काउंट अमाउंट ये देखिए, जो टोटल डिस्काउंट अमाउंट हमें हमें रिसीव हुई है वो हुआ जी माइनस और ये वाली अमाउंट, ये वाली, ये देखें 100 प्रोडक्ट सेल प्राइस थी, 20% 25% डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंटेड अमाउंट सेल प्राइस कितनी होगी 75, डिस्काउंट हमें कितना गेन हुआ 25, ठीक है जी। अब अगर इसका भी टोटल निकालते हैं तो ये आ जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगी, ठीक है जी। अब इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। ये आपको मैंने थोरली जो है ना आज डिस्काउंट को क्लियर कर दिया, ठीक है।